बड़ी खबर आ रही है, टूलगेट केस में दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस दिशा रवि, शांतनु और निकिता को आमने सामने पूछताछ करने के बाद आज 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दिशा को यह जमानत मिली है। तो दिशा रवि वही दिशा रवि जो टूलगेट मामले में गिरफ्तार की गई थी, ग्रेटा थनबर्ग टूलगेट केस में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था और अब दिशा को जमानत दे दी गई है। तो टूलगेट केस में दिशा रवि को आज अब से कुछ देर पहले जमानत मिली। पूनम, ये जमानत देते हुए अदालत ने क्या कुछ और कहा है? देखिए, 1 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड पे ये जमानत दी गई है और बड़ा ही कहना चाहिए नाटकीय मोड़, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, कुछ वैसी स्थिति आज यहाँ नजर आई। क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में 2 अलग अलग जज आज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक जगह जो एक दिन की पुलिस कस्टडी है उसके बाद पुलिस ने पेश करते हुए दिशा रवि को 4 दिन की पुलिस कस्टडी और मांगी थी और उसी दौरान जो सेशन कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट की, वहां से ये फैसला आया कि दिशा रवि को जमानत दी जा रही है। तो ऐसे में सुनवाई दूसरी जगह जो चल रही थी उसको बीच में रोका गया और दिशा रवि के वकीलों की तरफ से बताया गया कि इस मामले में दिशा रवि को जमानत दी जा चुकी है। इस आधार पर फिलहाल अब दूसरी कोर्ट ने भी जो याचिका, जो अर्जी लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से 4 दिन की कस्टडी और आगे बढ़ाने की, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कहा है कि जब जमानत मिल चुकी है। अपने ऑब्जर्वेशन में अदालत ने कुछ कहा है क्या जमानत के साथ? देखिए, सिर्फ अभी इतना ही प्रोनाउंस किया गया है क्योंकि चंद मिनट पहले की यह खबर है कि अभी उनको जमानत दी गई है। पूरा ऑर्डर देखना होगा कि किन शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है, क्योंकि जनरली इस तरह के सेंसिटिव केसेस में जब कोर्ट जमानत देती है तो कुछ शर्तें जो है वो आरोपी पे लगाई जाती हैं, जिनका पालन जमानत अवधि के दौरान उन्हें करना होता है। लेकिन अभी चूंकि कोर्ट का पूरा ऑर्डर इसमें नहीं आया है, सिर्फ ऑर्डर प्रोनाउंस जज ने किया है, तो देखना होगा कि ये शर्तें कौन कौन सी हैं। बहुत धन्यवाद पूनम। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी, 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दिशा रवि को टूलकिट केस में जमानत मिली।